हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स का, सेविकाओं सहायिकाओं का एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। एक काफी अच्छी जानकारी जो है आप सभी सेविका सहायिका के मानदेय के संबंध में आगे आने वाले अपडेट के संबंध में निकल के सामने आ रही है। जी हाँ, आप भारत के किसी भी राज्य की सेविका हो, चाहे आप यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, किसी भी राज्य की सेविका या सहायिका हो, सीधे महिला बाल विकास मंत्री भारत सरकार के जो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी है, मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में उन्होंने एक सांसद महोदय के जवाब के तौर पर उन्होंने लेटर जारी किया हुआ है। इसके बारे में जो डिटेल है, चलिए हम आगे आपको दिखाएंगे कि माननीय मंत्री महोदया का मानदेय बढ़ोतरी के ऊपर किस प्रकार का क्या कहना और पूरी जानकारी क्या है। उम्मीद करूंगा इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक कीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहे। चलिए चलते हैं माननीय मंत्री महोदया के लेटर की ओर। तो आप सभी सेविकाओं से सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। आपका लाइक से हमें लगता है हम आपके लिए ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आते हैं। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अभी शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमेशा से रोज कई कमेंट आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि अतुल जी, भारत सरकार मानदेय कब बढ़ाएगी। मानदेय बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो अलग बात है, लेकिन मानदेय पर काफ़ी महीनों काफ़ी दिनों के बाद जो है सीधे मंत्रालय से एक जवाब आया है, उसके बाद हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो लेटर देख पा रहे हैं ये कोई छोटा मोटा लेटर नहीं है, ये श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का लेटर है। आपको इनका नाम याद होना चाहिए, जो महिला एवं बाल विकास मंत्री है भारत सरकार में, इनको मंत्रालय मिला हुआ है। 2 सितंबर 2024 को इन्होंने लेटर जारी किया हुआ है, और लेटर का जो यहाँ पर नंबर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पर आपको जो सत्यमेव जयते जो भारत का लोगो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये लेटर जो है मंत्री महोदया ने श्री सुनील कुमार जी को जारी किया। अब सुनील कुमार कौन है, तो बिहार के वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं। इनको लेटर मंत्री की ओर से जारी किया गया है। क्यों जारी किया गया है, नीचे आएंगे आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। लिखा गया है, कृपया आप अपने पत्रांक 71/24 दिनांक 30 जुलाई 2024 का अवलोकन करें, जिसमें आपने बिहार राज्य में आंगनबाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि किए जाने का अनुरोध किया है। ध्यान से समझिएगा, इसके बारे में भी मैंने जो है जुलाई के महीने में बताया था, अगस्त के महीने में। ये श्री सुनील कुमार, जहाँ तक मुझे मालूम है, ये बिहार के लोकसभा क्षेत्र में जो है क्रमांक एक पर आते हैं, और इनका संसदीय क्षेत्र जो है वो वाल्मीकि नगर है। जी हाँ, ये पश्चिमी चंपारण जिले के अंतर्गत एक लोकसभा क्षेत्र पड़ता है वाल्मीकि नगर। इन्होंने सीधे महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी से रिक्वेस्ट किया था कि खासकर बिहार में, इस लेटर के माध्यम से, इस डेट के माध्यम से, कि खासकर जो है बिहार में जो है सेविकाओं सहायिकाओं का मानदेय केंद्र सरकार अपने स्तर से बढ़ाए, ताकि उनको जो है सम्मानजनक मानदेय मिल सके और महंगाई के इस जमाने में उनका काम चल सके। इसके जवाब में मंत्री ने लिखा है कि इनका पत्र का अवलोकन किया गया है, जिसमें आपने बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का मानदेय वृद्धि किए जाने का अनुरोध किया है। इस अनुरोध पर महिला बाल विकास मंत्री भारत सरकार कहती हैं कि आपके पत्र को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारी को अग्रसित कर दिया गया है। जी हाँ, इनका जो भी रिक्वेस्ट है मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में बिहार राज्य के लिए, तो इसको जो है आगे फॉरवर्ड कर दिया गया। अब ध्यान से सुनिएगा, फॉरवर्ड किया गया है, मानदेय बढ़ जाना इतना आसान नहीं है। फॉरवर्ड करने के बाद संबंधित अधिकारी जो सचिव होते हैं या फिर जो बजट बनाते हैं, सरकार अपना खर्चा देखेगी, हिसाब किताब देखेगी, क्योंकि अगर भारत सरकार मानदेय बढ़ाती है तो पूरे भारत के हर एक सेविका सहायिका को इसका फ़ायदा होगा, हर एक राज्य हर एक जिले में फ़ायदा होगा। तो वो अपना भार खर्च देख करके ये चीज़ें बढ़ाएंगे, और ये सारा काम जो संबंधित अधिकारी, कैबिनेट के अधिकारी वगैरह देखते हैं, और जो बजट पास करते हैं वो अधिकारी देखते हैं कहाँ पर किस हिसाब से खर्च करने की ज़रूरत है। इसमें सरकार की क्या मंशा है ये भी बहुत बड़ी बात है, सरकार अगर चाहे तो वृद्धि भी हो सकती है। इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि वृद्धि आने वाले 2 महीने में हो ही जाएगी, लेकिन उम्मीद हो सकती है, क्योंकि इस लेटर का जवाब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का सिग्नेचर, 2 सितंबर का डेट, और इस लेटर को अन्नपूर्णा देवी जी ने इस सांसद को जारी किया है, जिनका ऑफिशियल जो है एड्रेस दिल्ली में, यहाँ पर उनको बंगला दिया गया है। उम्मीद करूंगा चीज़ें आप समझ गए होंगे। जितना भी बढ़ोतरी हो नहीं हो, मैं आपको हर एक अपडेट दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।